एक अनागरिक का दुख जिसकी सबसे है, ये किताब जो है तो उसको बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूं। जी माँ को रेल या बस का टिकट कटाने नहीं आता, जैसे पक्षी भटकता रहता है माँ बिन। कहीं भी जाने में डरती है माँ, जबकि शादी के समय 8वीं पास थी। माँ से तेज उस समय एक चिड़िया थी, जो पिंजरे में बंद होने के बाद भी पूरा रामचरितमानस कर रही थी याद, और श्रीमद्भागवत गीता भी। अब चिड़िया भी नहीं गाती कंठ से कि आए रुलाई, अब चिड़िया भी नहीं गाती कंठ से कि आए रुलाई। 35 साल में एक बार पिता संग बक्सर गई माँ। लगभग उसी समय बस में भी, तब भिखमंगे भी एक साथ यात्रा करते थे। आ तो बांह अच्छा पकड़ उतार देता है से। मेरे पैदा होने के बाद मैट्रिक किया माँ ने। जब मैंने मैट्रिक किया उसके 5 साल बाद, माँ पिंजरोई गांव की है। आश्चर्य है कि पिंजरोई में कोई पिंजरा नहीं है। मेरा गांव विष्णुपुरा है और यहां भी कोई विष्णु नहीं है। हमारे वंशज हरिगांव भोजपुर के थे, राजा भोज के क्षेत्र के। जी उसके आगे का पता नहीं है, और नहीं है उस समय का आधार कार्ड। आर्यावर्त के वासी हैं हम, बस इतना पता है। लोग कहीं नहीं दिखता हमारा नाम या गांव का पता। खेत, खसरा, खतियान सब चूल्हे में झोंक दिया चाची ने। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं पता सही, कहां जाऊं सुरक्षित। आधी उम्र बीत जाने के बाद कौन सी सरकार बनाऊं कि बन जाए बात। हम अपने क्षेत्र के नागरिक हैं, चाहे माने या ना माने सरकार, चाहे माने या ना माने सरकार। बहुत तो ये माँ सुंदर। का एक दुख जो है, वो एक अनागरिक का दुख है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था।